सुजानपुर में जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष तोषित महाजन की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनय महाजन मुख्य रूप से शिरकत की। इस दौरान समूह कार्यकर्ताओं की ओर से स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान विनय महाजन ने कहा है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी भारत की प्रथम एक ऐसी महिला थी जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रही बल्कि विश्व राजनीति में भी वो छाई रही, जिसके चलते उन्हें लोह महिला के नाम से भी जाना जाता है। महाजन ने बताया है कि इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के दांत खट्टे करते हुए आजाद बांग्लादेश की नींव रखी, जिसके चलते अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चाहिए कि वे सस्ती राजनीति वे तानाशाही फरमान देने बंद करें और देश हित में काम करें। महानेत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी दे बलिदान दिवस से उन्होंने अपने जीवन काल दे विच जिथे भारत की एकता दे अखंडता दे लई ही जिहड़े फैले हुए राजे काम कीता अते देश नू कोशिश कीती, उन्हां नू असी आयरन लेडी दे नाते भी जानते हाँ। उन्हां दे नाल नाल ही अज असी साडे देश दे महान संविधानता संग्रामी स्वर्गीय श्री वल्लभ भाई पटेल जी जिन्हों का अज जन्म दिहाड़ा है उन्होंने भी इस अवसर पर हाँ। उन्होंने भी देश के जोड़े बिखरे हुए सूबे से उन्होंने एक रूप से पराया और अज साडा देश तरक्की राह दे है। और मैं अपने सारे साथियों वालों और कांग्रेस पार्टी वालों अपनी इस महानेत्री नमन करता है और याद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere.